कोहली की आंखें देखी नहीं आपने, कोहली की कुली रह गई ऐसे। वो रोहित शर्मा वो इंडिया है वो इस वक्त बैटिंग के लिहाज से बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है, वो शुरू से ही परफॉर्म करता है, वो टाइम के ऊपर अपने आप को बदलता है, चेंज करता है बैटिंग को भी। मुझे तो इंडिया के चांसेस है, इंडिया जीतेगा। मुझे इंडिया के चांसेस ऐसे क्या बात है कि यार हर बंदा ये कह रहा है कि इंडिया जीतेगा पाकिस्तानी होके। देखें ये बात इस दफा तो मेरे ख्याल है रोहित शर्मा के काम पे टांगने वाले, ना करो यार यकीन करो काम पे नहीं पूरा टांगेगा वो। इंडिया वाले जो इस वक्त बिहेव कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, फ्रेंडली गुफ्तगू कर रहे हैं, अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं, पैचअप कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, शेक हैंड कर रहे हैं, वो कर रहे हैं अपने हिसाब से कि यार एक रिलेशन बिल्ड रहे। बट गेम जो है वो तो टोटल चेंज हो जाती है ना, जब गेम के अंदर कोई एक बॉस लग जाए या एक जो बॉल गलत आ जाए छक्का लग जाए तो गाली गलौज होना शुरू हो जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए गेम के अच्छे तरीके। बारिश तो पाकिस्तान को बचा रही है, अगर बारिश है तो पाकिस्तान बच जाएगा, लेकिन चांसेस ज्यादातर मुझे इंडिया के लिए। तो आप दुआ कर रहे हैं पाकिस्तान के पास बॉलिंग अटैक की ऐसा कोई टिक ही नहीं सकते आगे। अच्छा हाँ जी, पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुरी उनका मेरा नहीं ख्याल है कोई कर जाए। पाकिस्तान पे प्रेशर होगा या इंडिया पे? प्रेशर तो पाकिस्तान और इंडिया दोनों टीम पे ही होता है, एक पे नहीं कह सकते। तो प्रेशर इंडिया पाकिस्तान का वैसे ही मैच, अवाम प्रेशर में आ जाते हैं ये तो वो उन पे क्या बीतती होगी, तो प्रेशर तो उन पे है दोनों टीम्स पे। मैं कहूँगा कि एक पे नहीं किया जा सकता, इतफाक दोनों टीम्स पे ही प्रेशर होगा। इंडिया है वो इस वक्त बैटिंग के लिहाज से बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है, वो शुरू से ही परफॉर्म करता है, वो टाइम के ऊपर अपने आप को बदलता है, चेंज करता है बैटिंग को भी। और हमारे पास इस वक्त जो है वो बॉलिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे लड़के नसीम शाह और शाहिन शाह अफरीदी बहुत अच्छे तरीके से, हारिस राव बहुत अच्छे तरीके से बॉल को टर्न कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, हवा में बॉल भी जो है वो इधर उधर मूव हो रही है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म के ऊपर जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो अपना बेस्ट देंगे। कौन सी टीम पे ज्यादा प्रेशर होगा? इंडिया पे प्रेशर हो, पहले से प्रेशराइज है वो। अच्छा हाँ जी, पहले मैच में वो हार चुके थे। अच्छा, बारिश ने उनकी जो है वो इज्जत बचा ली। नहीं यार, लोग तो कहते हैं पाकिस्तान को बचाया बारिश। नहीं नहीं, पाकिस्तान को कैसे बचाया, आपने देखा नहीं मैच? मैंने देखा, उनके होश उड़ गए थे। आप तो क्या वो 267 का टारगेट पाकिस्तान ने बना लेना इजीली किसने बनाना था? नसीम शाह तक बैटिंग है पाकिस्तान के पास, नौ बैट्समैन है समझ लो। अच्छा हाँ जी, इमाम है, फखर है, चलता कोई भी नहीं है, चलता कोई भी नहीं है, बाबर आजम नहीं चला है। अच्छा, मोहम्मद रिजवान नहीं चला है। हाँ जी, एक अकेला पखर चल गया ना पखर। अच्छा, वो भी पूरा कर जाएगा। कब चलेगा वो? इंशाल्लाह चलेगा, बारिश की वजह से बच गया पाकिस्तान मेरा ख्याल है इस दफा तो, अदरवाइज इंडिया के चांसेस जो है वो ज्यादा थे। अच्छा, तो अभी भी जो है वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इंडिया टीम आगे जाए। अब पाकिस्तानी टीम भी ठीक है मतलब, लेकिन इधर मैं एक बात ये नोट कर रहा था कि जो कैप्टनसी है ना बाबर आजम की, इसमें थोड़ा सा इस दफा इशू आया है। किस चीज का? उसने जो अब जिस तरह से उसने जो बॉलर्स जहाँ पे यूज होने चाहिए थे ना, वो ज्यादातर नहीं उसने यूज किया। अच्छा, जहाँ पे जिस टाइम पे यूज होने, जिस तरह पे, और उसने ज्यादातर फोकस उसने बस फास्ट बॉलर्स पे ही हमारे रखा है, तो मेरा ख्याल है ये भी एक वजह रही है। अच्छा, अब तो बुमराह भी उनका वापस आ गया। हाँ, बुमराह ने तो बुमराह प्रेशराइज कोई भी टीम को नहीं होना चाहिए, ना इंडिया को होना चाहिए, ना पाकिस्तान को होना चाहिए, अपना बेस्ट देना चाहिए। इंडिया वाले जो इस वक्त बिहेव कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, फ्रेंडली गुफ्तगू कर रहे हैं, अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं, पैचअप कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, शेक हैंड कर रहे हैं, वो कर रहे हैं अपने हिसाब से कि यार एक रिलेशन बिल्ड रहे। बट गेम जो है वो तो टोटल चेंज हो जाती है ना, जब गेम के अंदर कोई एक बॉस लग जाए या एक जो बॉल गलत आ जाए छक्का लग जाए तो गाली गलौज होना शुरू हो जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए गेम के अच्छे तरीके से जो है वो करना चाहिए, गेम होती है। बाकी जो टीम जो प्लेयर बेस्ट खेलेगा अपनी अपनी कंट्री के लिए, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो पाकिस्तान हो, वो लोग बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे और अच्छा रिगार्ड भी उनको मिलेगा। इंडिया जीतेगा, इंडिया ही जीतेगा अगर बारिश ना हुई तो। बारिश तो पाकिस्तान को बचा रही है, अगर बारिश है तो पाकिस्तान बच जाएगा, लेकिन चांसेस ज्यादातर मुझे इंडिया के लिए। तो आप दुआ कह रहे हैं कि बारिश हो जाए दोबारा? बस मिक्सचर से ख्याल है अभी तो। क्या वजह कोहली इस टाइम प्रेशर में क्यों है? पाकिस्तानी बॉलिंग ऐसा है, पूरी दुनिया प्रेशर में है पाकिस्तानी बॉलिंग से। अच्छा। यकीन करो बहुत जबरदस्त बॉलिंग है इस बार, बेहतरीन। नसीम शाह ने कैसे गेंद कराई, कैसी हारिस रऊफ जबरदस्त। पाकिस्तान की तरफ से कौन सा बैट्समैन ऐसा है जो 50 और सेंचुरी बना सकता है? पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम बना सकता है, बेहतरीन बैट्समैन है आजकल। अच्छा। मोहम्मद रिजवान बना सकते है, फखर जमान बना सकते है, इमाम बना सकते है। अच्छा। इफ्तिखार बना सकता है, कौन सा है जो नहीं बना सकते आजकल? तो उनकी तरफ से कोहली है, रोहित शर्मा है, विराट कोहली इस दफा चलेगा?
विराट कोहली तो इस वक्त प्रेशर में आया हुआ है क्योंकि वो आई थिंक सो के 4 स्कोर के ऊपर आउट हो गया था, तो वो टोटल जो लोग हैं वो प्रेशर पे आए हुए हैं, उनकी लक थी उस वक्त मैच ड्रॉ हो गया बारिश की वजह से, तो वो इस वक्त टीम के अंदर उन्होंने चेंजिंग भी किया। जैसा आगे पांड्या उस टाइम खेला, उसने जो पार्टनरशिप एक कायम की, तो आपके सामने ही है वो भी। बिल्कुल, वो अब तो बुमराह भी वापस आ गया, बुमराह भी वापस आ गया, इसी सेंस में वापस आया है कि उन लोगों का जो स्टार्टअप है ना वो बहुत ही जो है ना वो बैड तरीके से हुआ, बुरे तरीके से हुआ उनका स्टार्टअप, और जिसकी वजह से उन्होंने अपने जो प्लेयर्स हैं वो, क्योंकि पाकिस्तान बहुत फॉर्म में गया हुआ है बॉलिंग की वजह से, वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर रहा है पाकिस्तान बॉलिंग कर रहा है, तो उन्होंने अपने लोग प्लेयर्स को वापस इसी वजह से बुलाया है कि वो एकदम प्रेशर में आ गए। कोहली की आंखें देखी नहीं आपने, कोहली के कोहली रह गए ऐसे, वो रोहित शर्मा, वो क्या यार वो कैप्टन रोहित शर्मा है ना, हाँ। उसको गेंद फेंका, कोहली अंदर बैठा हुआ था ड्रेसिंग रूम में, उसकी आंखें खुली रह गई। अच्छा, अभी उसने खेलने आना था, उसने खेलने आना था और आके चला भी गया, फिर आपने देखा। अच्छा। बेहतरीन बैट्समैन है लेकिन पाकिस्तान के पास बॉलिंग अटैक ही ऐसा। कोहली इस दफा अच्छा खेलेगा या लास्ट टाइम की तरह जल्दी आउट हो गया? बड़ा जबरदस्त बैट्समैन है और बड़ा कोहना मश्क जो है वो खिलाड़ी है, तो मुझे लगता है कि ये अभी अनप्रेसिडेंटेड है लेकिन वो अच्छा खेलेगा कोहली, मुझे लगता है। क्या कहते हैं कौन जीतेगा? मुझे तो इंडिया के चांसेस है, इंडिया जीतेगा। मुझे इंडिया के चांसेस है। ऐसे क्या बात है कि यार हर बंदा ये कह रहा है कि इंडिया जीतेगा पाकिस्तानी होके? देखें ये बात डिपेंड है उनकी परफॉर्मेंस पे, वो आपने भी देखा है परफॉर्मेंस पे तो ना हम कुछ कह सकते, जो वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो हम कह नहीं सकते उस तरह से। इतना प्रेशर होगा यकीन पसीने पसीने छूटेंगे। अच्छा, हाँ जी, तो किसकी कैंपें टांगने वाली है इस दफा तो मेरे ख्याल है रोहित शर्मा के काम पे टांगने वाले। ना करो यार, यकीन करो काम पे नहीं, पूरा टांगेगा वो। अच्छा, पूरा टांग जाने। हमारे लोग जो है वो बहुत ज्यादा इमोशनल प्रेशराइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक गिरता है तो वो फिर आगे दूसरी तीसरी बॉल के ऊपर बाकी भी गिरने फिर लाइन लग जाती है, और फिर एट द एंड जब पीछे एक प्लेयर रह जाता है तो फिर वो कहते हैं कि नहीं अब खड़ा होना है। हाँ। तो आप पछताया क्या हुआ, जब चिड़िया चुकी खेत वाला बात तो नहीं होना चाहिए, कि हर प्लेयर को एक बेस्ट परफॉर्मेंस देनी चाहिए, फिर चाहे वो फर्स्ट है फिर चाहे वो 11th है। पाकिस्तान की फेंटी लगा सकता है? मुश्किल है, पाकिस्तान का बहुत मुश्किल है, पाकिस्तान के पास बॉलिंग अटैक किया ऐसा कोई टिक ही नहीं सकते आगे। अच्छा, हाँ जी, पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुरी उनका मेरा नहीं ख्याल है कोई कर जाए, कोई भी नहीं कर पाएगा, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अच्छा, हाँ जी, कौन सा वो बॉलर है पाकिस्तान की तरफ से जो उन्हें टफ टाइम दे सकता है? शाहीन है, नसीम है, हारिस है। अच्छा, शाहीन तो शाहीन है लेकिन शाहीन की तो चर्चे है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान का प्रोडक्ट है, उसके जैसा कोई बॉलर ही नहीं है।